natural sweetener, Flavorol. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavorol by Greenish. Flavorol from Greenish, now available at Rexall Pharmacies. रहाफ मोहम्मद बिलाखिर कनाडा पहुंच गईं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। हमारे बहुत ही उम्दा मुबस्सर जनाब तारिक फतेह साहब फ्रंट लाइन पर रहे इस पूरी स्ट्रगल में। 5 जनवरी को उन्होंने पहली ट्वीट की। मैं तारिक फतेह साहब को लाइव ले रहा हूं इस वक्त, हमारे साथ हैं तारिक फतेह साहब। आज 15 जनवरी को रहाब मोहम्मद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी टोरंटो में। 3 दिन हो गए उन्हें यहाँ पहुँचे। आप उन लोगों में से थे जिन्होंने उनको रिसीव किया, और कैसे आप देखते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को? हिम्मत की बात है। देखिए, जब वो एयरपोर्ट पे आई तो मुझे एहसास हुआ कि 18 साल की उम्र की बच्ची कितनी छोटी होती है। आप वो जब सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और वो बातें हो रही हैं कि सऊदी अरेबिया में जो जुल्म और तशद्दुद है मुसलमान बच्चियों पे, लेकिन जब आप देखते हैं कि एक लड़की एयरपोर्ट से आई, शी वॉज वेयरिंग शॉर्ट्स, ये बहुत बड़ा मैसेज उसने भेजा पहले, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया और वहाँ के मुल्लाओं का बस चले तो औरत तो वो काले कफन में ही नजर आए कहीं पर भी। और इसी जंग के अंदर कितनी सऊदी बच्चियाँ वहीं मर गई हैं, भाग गई हैं, उनको लौटाया गया है। एक तो प्रिंसेस इंडिया से भिजवा दी गई, वो उसका पता नहीं चल रहा है, कोई फिलिपीन से लौटाई गई। और ये बच्चियां सिर्फ एक इनकी डिमांड है जो हर मुसलमान बच्ची की है। हर बाप कहता है कि मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं, लेकिन मैं बेटी को प्यार नहीं करने दूंगा। ये हम पाकिस्तान से हैं, पंजाब से, हमें पता है कितनी कुट पड़ती है। अगर कभी देखी भी जाए कोई बच्ची किसी के साथ, अपर क्लास की बातें छोड़े, हम अपनी मिडिल क्लास की बात करते हैं। ईरान में, मिस्र में, हर जगह ये मौलवियों का तशद्दुद और डिक्टेटरशिप जो है, और सऊदी अरेबिया में तो भयानक अंदाज का है ना कि आज तक बादशाह चल रही है। और ऐसी डिसिप्लिन और इतनी मार के औरतें सिर्फ काला पहनती हैं ताकि धूप में सड़ के मर जाएं, और मर्द सारे सफेद पहनते हैं ताकि उनको धूप गर्मी के अंदर इतनी धूप ना उन पर रिफ्लेक्ट हो जाए। आप इंस्टीट्यूशनली देखिए कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन है कि औरत सिर्फ काला पहनेगी, मर्द सिर्फ वाइट पहनेगा। ये बच्ची निकली, कुछ नहीं कहा इसने, मेरे ख्याल से थोड़ी डरी हुई भी होगी। एक पूरा नया, आपको पता है -20 टेम्परेचर था, वैसी आदमी के होश ठिकाने आ जाते हैं। जो वहां से टूरिस्ट आते हैं वो या हम लोग जाते हैं और वापस आए सर्दी में, तो शी स्टूड देयर, चली गई। अब एक मसला जो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने तो बहुत ही बहादुरी दिखाई कि सऊदी अरेबिया के सामने खड़े होंगे। फॉरेन मिनिस्टर फ्रीलैंड जो हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल इशू था रहाफ का, वो कनाडा के एनजीओ और ऑफिशियल और मीडिया वाले नहीं बात करना चाह रहे थे। रहाफ कह रही है कि मेरी जान खतरे में है क्योंकि मैंने इस्लाम से अपने आप को जुदा कर लिया, मुझ पे कुफर का इल्जाम लग गया, और मुसलमान जो इस्लाम से हट जाता है उसका वो वाजिबुल कत्ल होता है। ये शरिया की बात है, 1400 साल से गर्दनें उड़ रही हैं। मंसूर हलाज को मार दिया तो ये बेचारी बच्ची की क्या हैसियत है। कैनेडियन मीडिया नहीं चाहता कि ये वो बात करे, तो उन्होंने स्टोरी ये बनाई कि इसकी इसका बाप इसकी पिटाई करता है। तो विमेन्स बैटर्ड विमेन शेल्टर में जाके बिचारी को रखा, ठीक है अपनी तरफ से किया होगा सिक्योरिटी के लिए, बट शी इज नॉट इन कैनेडा बिकॉज हर पेरेंट्स आर अब्यूसिव टू हर। वो कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया या सऊदी अरेबिया से भागना चाहती थी, और जितनी लड़कियां भागी हैं वो इस बात से कि हमें शरिया के मुताबिक हमारा शोहर हमको हमारी पिटाई कर सकता। उस पर बहस और है कि हल्के से मारो, और कोई कहती हैं फेमिनिस्ट कि नहीं वो कंघी से मारना अलाउड है, ये सब छोड़ दें।
मैं 10 साल रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, मुझे पता है कि क्या पोजीशन है औरत की वहाँ पे। जो पैसे वाली हैं, बिजनेसमैन हैं, वो तो राज करती हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी लड़की है वो तो उसका छोटा भाई उसका बाप होता है। पाकिस्तान में ये सिलसिला है, हिंदुस्तान के मुसलमानों में ये है, तो कनाडा में, ये सऊदी अरेबिया में कैसे नहीं होगा? हमको कनाडा में शाफिया सिस्टर्स का नहीं पता, बाप ने बेटियां मार दी। वो जो थी बच्ची अक्सा परवेज मिसिसागा में, उसका नहीं कत्ल हो गया हमारे सामने, उसकी उस पर ये इल्ज़ाम था कि उसने हिजाब नहीं पहना। अरे हिजाब ना पहनने पे कत्ल हो जाता है? ये लड़की तो इस्लाम को कह रही है कि मैं नहीं मानती, खुदा में मेरा यकीन ही नहीं है, ये इस्लाम ठीक नहीं है। उसको ये हक कनाडा में भी आके अब तक नहीं मिला, क्योंकि जो जिसे मैं वाइट गिल्ट कहता हूँ कैनेडियन मेन स्ट्रीम को, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि एक ईसाई या यहूदी तो किसी वक्त भी कहेगा, वो तो कार्टून बना लेते हैं, क्रिसमस का जीसस के ऊपर प्ले कर सकते हैं, उनको जहन में नहीं आता कि मुसलमान के जो जहन पे एक फालिज का है कि उसको जब तक वायलेंट तरीके से वो अपने मुखालिफ को मारे नहीं, तो इमाम हुसैन के कातिल हैं ये, तो उमय्यद जो थे अबू सुफियान की औलाद जो हुकूमत कर रही है ना सऊदी अरेबिया में, तो जब उनको मार दिया तो बाकी बच्चियों का क्या है? तो वेल शी इज नाउ सेफ, इससे मेरा कांटेक्ट है, लेकिन इनसे कहा गया था कि मेरे टाइप के मुसलमानों से ये कांटेक्ट ना करें। ये जब कोरिया में थी तभी बच्ची ने कह दिया था कि आई कैन नॉट, इट विल नॉट बी पॉसिबल। इनको इंस्ट्रक्शन थी कि ये जो इंसाफ हैदर है जैसे राइफ बदवी की बीवी जो मॉन्ट्रियल शेबर्क में है उनसे, या यास्मीन मोहम्मद जो इजिप्शियन कैनेडियन है जिसका हस्बैंड अलकायदा में होता था, उसने तलाक दे के अपने आप को बचाया, इन लोगों से इनको इंस्ट्रक्शन नहीं है इनसे बात नहीं आप करें। ये एक बात शामिल करना चाहता हूँ, मैं देख रहा था कि रहाफ ने कल भी रीट्वीट किया था यास्मीन मोहम्मद को जी, आपको भी 2-3 दिन पहले तक रीट्वीट वो कर रही थी जी, इंसाफ हैदर को कुछ दिन पहले तक वो कर रही थी जी। तो वो बच्ची जो 18 साल की है उसकी करेज पर धाक देते हुए आप लोग पीछे गए ना, आपने फ्रंट लाइन पे गए, आपने कहा कि ट्विटर ने उसको सेव किया, और 5 जनवरी को मंजरे आम पर आती है ये स्टोरी, और उनका अकाउंट ही 5 जनवरी को साइन ऑन होता है। 5 को उनके पास 24 फॉलोअर थे। हमारा पहला प्रॉब्लम था ना ताहिर, यहाँ हम टोरंटो में बैठे थे, कि ये जब ये इसके फॉलोअर ही 24 है तो ये कुछ भी ट्वीट करे किसी को नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले हमने लोगों से इल्तिजा की कि खुदा के वास्ते इसको फॉलो करो ताकि आज रात तक 10,000 इसके फॉलोअर हों, ताकि क्रेडिबल लगे ना, आपकी कोई पोजीशन तो होती है। वैसे तो आईएसआई के कितने यहाँ अकाउंट खले में हजारों जिनमें 0 फॉलोअर होता है, लेकिन वो अलग मकसद होता है, ऐसे दूसरी एजेंसियों के भी हैं। लेकिन इस पे पहले हमने जब जोर दी तो इसके 2-3 घंटे में 35,000 फॉलोअर्स बने। आज माशाल्लाह उसके को बेखाल 1.5 लाख फॉलोअर हैं ट्विटर में, मोस्टली कैनेडियन सर, और यहाँ के लोगों ने। जब इसने सैटरडे की रात को एक मुझे मैसेज भेजा, क्योंकि ये शेल्टर में थी, ये बच्ची पहली दफा जिंदगी में कनाडा में रात गुजारी, वुमेन शेल्टर में, मुझे बताइए कितनी अच्छी खासी डरावनी जगह होती है, वहाँ हर किस्म की सताई हुई औरत का, तो ये बच्ची वहाँ बैठी हुई, इसने ट्वीट किया, मुझे डायरेक्ट मैसेज दिया कि आई एम वेरी स्केर्ड, आई एम टेरिफाइड, आई डोंट नो। मैंने कहा ये तो अभी हमें पता नहीं था कि गवर्नमेंट के बैकग्राउंड में कौन क्या कर रहा है। हमने कहा कि बेडरूम है हमारे पास, सब लगा हुआ है, जिस दिन तुमको आना होगा यू कम हियर, पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास। ताहिर साहब आप भी इमिग्रेंट हैं, मैं भी यहाँ इमिग्रेंट हूँ, बगैर जेब में $50-60 होने के आप तो बस की टिकट लेना हमें नहीं आती है, कोई बताए कहाँ जाना है। आप यकीन करिएगा कि वो जो है यास्मीन जो विक्टोरिया ब्रिटिश कोलम्बिया में है,
उसने मैंने और आपकी ये इंसाफ हैदर ने हमने फंड रेजर शुरू किया 10 घंटे में $11,000 जमा होके आज वो राहफ के हाथ में। तो नजाकत आ ही जाती है सर, आपको पता हो कि आपके अब्बा ने आपको आग कर दिया, बहनियां कह रही हमारा नहीं है, फैमिली का नाम हट गया, लेकिन उसे ये पता है कि कई लाख कैनेडियन मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर टाइप के लोग सिवाय वो जमात इस्लामी टाइप के जो हमारे खैर मुझे नाम नहीं लेना चाहिए बट जो उलमाए दीन हैं जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से किसी ने मदद नहीं की इसकी। हर वक्त हम सुनते रहते हैं कि एक जान बचाओगे तो जैसे तुमने सारी दुनिया बचा ली, कुरान की आयत है, लेकिन इस एक जिंदगी बचाने के लिए कोई भी वो शख्स नहीं आया जो सुबह शाम हमें लेक्चर देता रहता है कि इट इज़ पीसफुल एंड वी आर कमांडेड टू सेव लाइफ। जब ये बच्ची मौत के सामने खड़ी थी तो इसके पास ये आयत कुरान शरीफ किसी ने इसको नहीं सुनाई। सर ये बताइए कि पूरी दुनिया को वो अपील कर रही थी कि मुझे पना दी जाए, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया से, यूरोपियन यूनियन से, यूएस और कनाडा से, तो कनाडा ने एकदम क्विक इसमें एक्शन लिया और ये एक बड़ी बहुत बड़ी मिसाल है कि वो इनको 3 दिनों के अंदर अंदर यहाँ लेकर आए। जबकि यहाँ पर परसेप्शन ये है कि जस्टिन ट्रूडो की जो हुकूमत है वही जो जमात इस्लामी का जिक्र आप कर रहे हैं उनके सिंपथाइजर्स काइंड ऑफ हैं, मगर उन्होंने जो डिसीजन लिया तो क्या डिसीजन इस वजह से था कि ह्यूमन राइट्स को वो इंटैक्ट करना चाहते थे या सऊदी अरब के साथ उनका अपना झगड़ा था, कौन सी बड़ी बात आप देखते हैं इसमें अहम है? मेरे हिसाब में ये सब कुछ बजा आपने फरमाया बड़ा, यानी लिबरल पार्टी के अंदर आपको पता है M103 लेके और बहुत इन्फिल्ट्रेशन है और बड़ा यानी मौलवियों का होल्ड है, मेयर का दफ्तर हो, प्रोविंस का दफ्तर हो, हर जगह आपको ये जमे। सिलसिला ये है कि एक इसमें और खातून आती हैं जिनका नाम है क्रिस्टिया फ्रीलैंड और शी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आपको याद होगा आज से 6-7 महीने पहले उन्होंने जब राय बदवी की बहन को सऊदी अरेबिया ने बंद कर दिया जेल में बगैर किसी इल्जाम के, वो आई स्ट्रेट जेल। क्रिस्टिया फ्रीलैंड वाहिद वर्ल्ड पॉलिटिशियंस में थी जिन्होंने ट्वीट करके सऊदी अरेबिया को कहा कि ये तुम बदतमीजी कर रहे हो, इंसानी हकूक तबाह कर रहे हो, और ये आपको मैं बताऊं ट्रंप श्रम किसी में हिम्मत नहीं है सऊदी अरेबिया के सामने खड़े होने की। हर एक को ये होता है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद अगर मुझे बिजनेस करनी पड़ी तो क्या होगा। आपको पता है कि अमेरिका का हर एम्बेसडर जो सऊदी अरेबिया में होता है वो आके सऊदी अरेबिया का ज्यादा लॉयल होता है। हमारे भी माशाल्लाह 2 एम्बेसडर्स ने यही किया, इसको नहीं देनी चाहिए पना, ये जो है अपनी बच्ची रहा, वो एम्बेसडर कनाडा का जिसको सऊदी अरेबिया ने एक्सपेल कर दिया वो ज्यादा लॉयल्टी सऊदी अरेबिया को दिखा रहा है कि आप लोगों को पता नहीं है। हाँ आपको पता है जो आप 3 साल की उम्र में, हमें नहीं पता, हमने 10 साल मजदूरी की, हमको पट्टी पढ़ा रहे हैं वो लोग जिन्होंने बनी मालिक नहीं देखा, हुआ मनफुआ नहीं देखा, वो जगह नहीं देखी जहां एक अपार्टमेंट के अंदर 20-20 लोग रहते हैं, आज से नहीं पिछले 50 साल से और आज भी, जिन्होंने नहीं देखा कि सऊदी कैसे आम गरीब बांग्लादेशी फिलिपिनो पाकिस्तानी या मिस्री को थप्पड़ वप्पड़ मार के कैसे उनकी तनख्वाहें छीनी जाती हैं, क्या कुछ जुल्म नहीं होता। तो हमें ये कनाडा का एम्बेसडर तो ना बताए ना जो खुद वहां पे और जिसका CBC के अंदर एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कॉलम भी छपा, एक मुसलमान है वहाँ, शी इज़ अ मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज, वो वहाँ रिपोर्टर हैं, उन्होंने आज ही कॉलम लिखा जिसमें डाउट रेज किया है कि ये रहाफ को असाइलम देने में किसका फ़ायदा है। आप हेडलाइन सोचिए उसमें कितनी शैतानी है कि मुझे इसके फ़ायदा किसे, फ़ायदा नुकसान कहाँ से हो रहा है। इंसानी जान बचाने के लिए
فائدہ نقصان دیکھا جاتا ہے. سر دیکھیے اگر وہ فائدے کی بات کرتے ہیں تو ان کا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے, مجھے بھی وہ تحریر دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ رائٹ ونگ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا کوٹ ان کوٹ ان کے مطابق, مگر یہ حکومت تو لبرلز کی ہے, یہ حکومت تو لبرلز کی ہے. کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ میرا تعلق تھا, میں این ڈی پی کو ووٹ کرتا ہوں, این ڈی پی کے لیے لڑاؤ. انہوں نے وہ ایک اور صاحب ہیں کوئی امر سنگھ امرناتھ, ان کو زیادہ کچھ پتا ہے اسلام کا یا پاکستان کا. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک جواب میں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ دا ورڈز ور دیٹ از وائی یو آر دی موسٹ ڈسپیکبل مین, یہ مجھے ای میل کر کے بھیجا کہ تم رائٹ ونگ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہو. بھائی حالانکہ وہ میں عرض کر رہا ہوں وہ تو لبرل حکومت بلا رہی ہے, یہ تو کنزرویٹو گورنمنٹ بھی نہیں ہے. ارے کنزرویٹو, اب کنزرویٹو میں بھی جیسن کینی الگ ٹائپ کا کنزرویٹو ہے, جو ابھی شیئر ہیں وہ الگ کنزرویٹو ہے. اگر جیسن کینی اس وقت لیڈر ہوتا ہے کنزرویٹو کا تو وہ شاید لبرل سے زیادہ اس معاملے میں ایکٹیو ہوتا. اب کنزرویٹو پارٹی نے تو ابھی تک ان کو سمجھ ہی نہیں آیا ہے کہ یہ کون بچی آ گئی, کہاں سے آ گئی, ہم کہیں کیا. دس از, اگر یہ کچھ جو ایم پیز ہیں جو شیر صاحب کی کوکس میں ہیں, دے آر امیزنگ, خاص طور پہ جو دا فیمل ایم پیز, دے ہیو ڈن اے گریٹ جاب. بٹ آئی تھنک ایٹ سم لیول جو کینیڈین مرد ہے, مین اسٹریم گورا مرد ہے, اس کو پلے نہیں پڑ رہا کہ یہ ہو کیا رہا. اگر پلے پڑھنے یا نہ پڑھنے کی بات ہو تو کیا دنیا کو اس وقت جو کمپلیکسٹی ہے, خاص طور پر رہاب محمد جب یہ کہتی ہیں کہ میں کیوں بھاگ رہی ہوں, وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے فریڈم فرام ریلیجن چاہیے, یہ بات سمجھ آتی ہے دنیا کو؟ دیکھیے مزے کی بات یہ کہ 1948 کا یو این ڈیکلریشن آف یونیورسل ہیومن رائٹس کا ڈرافٹ کینیڈین مسٹر ہمفریز نے ڈرافٹ کیا تھا. آج اسی ملک میں لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے فائدہ کس کا ہوگا. کین یو امیجن کہ کینیڈا کی اسٹیٹ براڈ کاسٹر کہہ رہا ہے, اس کے ویب سائٹ پہ چھپا ہوا ہے کہ وی ڈونٹ نو ہو از گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام دس. انسینویٹ وہ یہ کر رہے ہیں, اشارہ اس طرح دے رہے ہیں آنکھ مار کے کہ دیکھو چور لوگ ہیں یہ سب, یہ اب مزے کریں گے, یہ اسلام کے دشمن لوگوں نے ہم کو کیا ہے. ہاں کی بات کر رہے ہو, ہم سے پوچھو, 1000 لڑکی ہر سال پاکستان میں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے, آنر کلنگ ہو رہی ہے. ہمیں انڈیا کا بھی پتا ہے کہ ایک جو سکھ فیملی تھی اس وہ جا کے ہائر کر کے اپنی بیٹی کو مروا دیا انہوں نے. ایران میں کیا ہو رہا ہے, سعودی عربیہ میں کیا ہو رہا ہے, ہم تو سب پتا ہے, لیکن یہ پولیٹیکل کریکٹنس میں اور ہر ایک کو یہ ڈر لگا رہا ہے, ارے بھائی کوئی مجھے ریسسٹ نہ کہہ لے, میں بڑا ڈائیورسٹی میں بلیو کرتا ہوں, میں ریسسٹ نہ کوئی کہہ دے, بتائیے. اور مسلمانوں سے تو اتنا خوف ہے, وہ ڈر سمجھتے ہیں کہ ہم ایوری ون آف اس جیسے ہم ایکسپلوڈ کر جائیں گے, گلا ملا ہم ختم. تو وہ ڈر کے مارے, بالکل کاوڈس ہے یہ کہ کوئی رپورٹر, آپ مجھے بتائیے, وہاں اس دن ایئرپورٹ پہ 100 بیٹھے ہوئے تھے ایک دم, یہ جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں لائن سے لگے, اس سے ایک دن پہلے تک کسی اخبار میں خبر بھی نہیں چھپی تھی کہ ایک بچی بھاگی ہوئی ہے. نو, میرے اپنے اخبار میں سن میں جب میں نے کالم لکھا کہ ہاؤ ٹویٹر سیوڈ ہر, دیٹس دی اونلی نیوز. آج ٹورانٹو اسٹار میں فرنٹ پیج پہ اسٹوری ایکسکلوسیو یہ وہ, اور سی بی سی کا بھی کوئی انٹرویو کر رہا, میں سب کو دیکھ رہا تھا وہاں ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے, دے ہیڈ نو کلو کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو نہیں اندازہ ہو رہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے, آپ کو اندازہ آج بھی ہوا, اور جب ملالہ یوسف زئی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تب بھی ہوا, آپ نے تب بھی آواز بلند کی, ان کو نوبل پرائز ملا, آج آواز بلند کی تو یہ بچی یہاں پر آ گئی. اس سارے سینیریو میں آپ اپنی سٹرگل کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ایک ہندو مسلم سمجھتا ہوں, کیونکہ میں جو فلسفی میری ہے وہ یہ کہ ہندو ٹیچنگ یہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ ہیو ایکسپیکٹیشنز. آپ کو
उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए कि आपको इस काम के करने से फायदा क्या होगा। उससे आजादी आपको मिल जाती है। उससे होता यह है कि काम नेक नियति से हो जाता है। अगर आप सुने यार ये किया तो कल को एक ट्रिप इसराइल का लग जाएगा और ये करना, मतलब गलती हम सबसे होती है कि हमारी पोजीशन कभी कभी हम गलत ले लेते हैं, लेकिन उसको फिर एडमिट करना पड़ता है कि भाई यहां हमारी गलती हो गई। अब जैसे मलाला का केस है, मैं सीरियसली बताऊं, जिस दिन उनको जब तक नोबेल प्राइज नहीं मिला था तब तक तो हम फोन पे उससे बात कर लेते थे, उसके फादर से भी, ये सब क्या करना। ये जिस दिन उनको मलाला को नोबेल प्राइज मिला तो मेरा, मैं न्यूज टॉक 1010 पे शो करता था, मैंने कहा कि मलाला को कि हम लाइव करते हैं एटलीस्ट, तो उसने कहा कि नहीं अब मैंने पीआर एजेंसी एक हायर कर ली है तो आप उससे बात करें, यानी मैं उनको पैसे दूं ताकि मैं मलाला का इंटरव्यू कर सकूं। उन्होंने कहा अच्छा भाई तू तुझे मिल गया है, तू खुश रहे। अब वो देखिए मलाला ने राहफ के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा, देयर इज नॉट अ सिंगल मेंशन। क्या वजह है इसके? सब सर वो क्या गाना है पाकिस्तान में एक सिंगर का, पैसे दी सब पैसे दी गेम है। उस सिंगर का राइटर शायद यहाँ पर रहते हैं अरशद भट्टी साहब। पैसे का गेम है ऐसा नहीं, उन्हें क्या ऐसे मिलना किन्ना है सानू, वो कहते थे पैसे दसो ऐसे फायदा किन्ना है सारा। बड़ी हैरत की बात है कि इस बच्ची का मसला है, हमने मलाला की कोई आवाज नहीं सुनी, बात नहीं सुनी। नो इमेजिन दैट, वो किसी कॉमेडी शो पे थी एक दो दिन पहले और बड़े पाकिस्तानी झूम रहे हैं, कितनी अच्छी बात करती, कितनी फ्लुएंट बात करती। अरे वो कह रही है गिव अ बुक, हमने सारे टेररिस्ट वही देखे हैं जो बुक के होते हैं, अनपढ़ आदमी तो हमने टेररिज्म, आपको भी पता है जो काम किसान है मजदूर है उसने टेररिज्म, उसके पास टाइम नहीं है ये बकबक करने का मदरसे में जाके करने का। ये तो कैनेडा में पैदा हुए हुए लोग जो अपने माँ बाप को कहते हैं यू आर नॉट गुड मुस्लिम आई एम, और वो फिर भारी सी आवाज में जज़ाकअल्लाह ब्रदर इस टाइप की बात करते हैं ना, कि आप महफिल में जाएं तो ताली नहीं बजाने देते, ब्रदर नो क्लैपिंग ओनली से तकबीर तकबीर। तो एक जितने पढ़े लिखे हैं वेस्टर्न एजुकेटेड वो तो रेडिकलाइज हो रहे हैं, जितना इमिग्रेंट है जिसका एक्सेंट है जैसे हमारे आप जैसे लोगों का के सुनते ही पता चल जाता है कि ये कहीं से आए हैं। अच्छा हम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं है जितनी यहाँ पैदा हुए बच्चे को हो रही है जो कह रहा है वी नीड टू ब्रिंग शरिया इनटू दिस कंट्री। वो तो आपने सुना ही होगा शरिया की जंग में वो सऊदी लिबास पहन के वो आ जाता था, एक आप भी जानते मैं भी जानता हूँ, अपनी पर्पल कलर में उसकी पोलिश बीवी शरिया जिंदाबाद कर रहे थे। तो द पीपल हु आर एजुकेटेड हैव अ बिगर चांस ऑफ बीइंग रेडिकलाइज। तो मलाला बीबी कह रही गिव मी अ बुक, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी अ दिस, वो तो ठीक है स्पीच राइटर्स लिख देते हैं, वो खुदा के वास्ते जिनके हाथ बुक आती है वो तो ऐसी तैसी कर देते हैं। कोई एक पूरी इस्लामिक दुनिया में अनपढ़ आदमी ने बम नहीं मारा पिछले 1400 साल में, जो ऊपर गया जो उस्ताद बना उसने यह अनाउंस कर दिया। तो इस सारी सूरत हाल में तारिक फतेह साहब जब हम देखते हैं आप बात करते हैं कुछ और लोग भी बात करते हैं कि किस तरह हम इस तरह की स्ट्रगल को आगे कायम करें, ये रहाब मोहम्मद का एक केस है जी। इससे पहले एक बच्ची सऊदी अरब से भागी थी, वो वापस चली गई, उनके नाम का भी किसी को पता नहीं है क्या हुआ। इंसाफ हैदर इधर हैं, राइफ पदावी की बेगम हम खुशकिस्मत हैं या वो भी खुशकिस्मत हैं कि वो यहाँ आ गई। उनकी बहन जो है, उनकी नंद और उस नौजवान की बहन, दोनों बहन भाई जेल में हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड को क्यों ठीक से समझ नहीं आ रही कि ये इतना गंभीर मसला है, ये रहाब मोहम्मद को लाना तो सवाब का काम है, हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर वो जो लोग फंसे हुए हैं उस माइंडसेट में उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ बुलंद हो पा रही? सर आप
सबको छोड़ दें, 10,000 पाकिस्तानी ईसाई थाईलैंड में बैठा हुआ है। बड़ी अहम बात की आपने। उसका यहाँ कोई क्रिश्चियन चर्च उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ पर बात जोड़ूंगा आसिया की, आसिया बीबी की, जो जस्टिन ट्रूडो साहब ने कुछ महीने पहले कहा था ले आएंगे। लेकिन आपको और मुझे पता है कि पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज में ये नहीं होता। ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, जिनमें मैं इंडियन को भी कहूंगा, इन लोगों को ये पाकिस्तानी अरबी ईरानी हेर फेर की बातें करने का पता ही नहीं है। ये जो बात माइक खुली है उस पर कहना, और जब माइक बंद होता है, ये दो अलग बातें होती हैं। जब मस्जिद में गोरा आता है तो लेक्चर अलग होता, जब रिपोर्टर चले जाते हैं तो आपको मुझे पता है लेक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो इतने झूठ के आदि हो गए कि झूठ जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एट सर्टेन लेवल्स काम करता है। जैसे कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का झूठ तो माशाल्लाह मदर ऑफ ऑल लाइज है, बट आम आपकी हमारी डीलिंग में वी डोंट लाई टू ईच अदर। द अजम्पशन इज कि एवरीबॉडी इज स्पीकिंग द ट्रूथ। हमारी सोसाइटीज में अजम्पशन है कि एवरीबॉडी इज लाइंग, तो उसको डीकोड में ही लगे रहते हैं। अब वेस्टर्न सोसाइटी में आप अगर आफिया नहीं आ सकती, ये आसिया बीबी जी, आफिया की आपने ऐसे आपकी गलती से निकल गया, वो कहते हैं आफिया वर्सेस आसिया। बताइए वो आफिया जो टेरर एडमिटेड टेररिस्ट थी। अच्छा, फखरिया टेररिस्ट सर, फखरिया टेररिस्ट, फखरिया जो खुद पे कहती है। अरे तो आपके खिदर फैमिली के लोगों ने खुद नहीं कहा कि वी हेट कनाडा, उनको $10 million मिल गया। आप हम कनाडा के लिए पिटते हैं, हमारे पीछे इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, लेकिन मेन स्ट्रीम गोरा जो कम्युनिटी है वो भी हम कह सकते हैं, बट लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, द मेन स्ट्रीम इज लिविंग इन द 21st century, वी आर लिविंग इन द 12th century। और गोरा ये समझ रहा है कि ये भाई डिजिट तो वही है ना, हमारी 21st है, उनकी 12th है, चलो एडजस्ट कर लेंगे। अरे भाई, वो अभी तक इस बात पे तय शुदा है कि सूरज मिट्टी के अंदर डूबता जाके रोज रात को, कि घोड़ा उड़ सकता। अब हम ये भी ना बात करें, आप बताइए गुंजाइश जो इस्लाम के अंदर है हमें बहस करने की, वो तक बंद हो गई। वो कह रहे हैं वो जरूसलम क्या, खुद ही हम कह रहे हैं कि हमने जरूसलम पे कब्जा किया, और फिर हम ही कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो ऑक्यूपेशन का है। ये तो नहीं हो सकता कि हम दोनों क्लेम को रखें कि हमारी फौज गई और हजरत उमर ऊंट पे बैठे हुए थे, गुलाम ऊपर था, हजरत उमर नीचे थे, और जरूसलम ने दरवाजा खोल दिया। अरे भाई, दो आदमियों से कोई दरवाजा नहीं खोलता, फौज गई होगी ना, कब्जा कर लिया, खत्म हुई बात। अब आप बोस्ट कर रहे हैं कि हमने कब्जा किया, और फिर कह रहे हैं कि ये एक्चुअली यहूदियों ने कब्जा किया हुआ। ये तो नहीं, और वी डोंट रियलाइज कि वी आर टेलिंग लाइज बोथ वेज, एंड वेस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कैन समवन लाई बोथ वेज एट द सेम टाइम। तो ये बेचारे वोटों के चक्कर में वेस्टर्न पॉलिटिशियंस, ये जिसे आप कहते हैं, इंडिया में भी आजकल बहुत है वोट कैंप, वोट बैंक पॉलिटिक्स जी, वोट बैंक्स। मैं आपको एक एग्जांपल आज का देता हूं, मैं बाहर गया हुआ था हेयर कट कराने, और टीवी पे हमारे मेयर जॉन टोरी साहब, वो कोई किसी की डेथ हो गई है, ट्रक उसके ऊपर चला गया, होमलेस जो होते हैं, तो उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, उसने कहा नहीं, द सिटी हैज टू डू, और वॉलंटियर्स भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक रिलीफ को देखिए, आज मैं वहां गया हुआ था, इस्लामिक रिलीफ ये करता हुआ, आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर इन अमेजमेंट, दिस इज द मेयर ऑफ टोरंटो, ही डजंट नो व्हाट इज इस्लामिक रिलीफ, ही रियली डजंट। जॉन टूरी की जो सर्किल है उसमें कई मौलवी भी हैं, बाय द वे आरसीएमपी की एडवाइजरी में मौलवी हैं, टोरंटो पुलिस के इंटेलिजेंस के लोग उसमें पाकिस्तानी हैं। तो जब आपने डाइवर्सिटी के चक्कर में सीसस की स्पोक्समैन भी पाकिस्तानी है, सुना होगा आप, बेचारी अच्छा बोलती है, लेकिन जब सीसस का स्पोक्स पर्सन भी जो है वो एक पाकिस्तानी बच्ची हो, तो हम और आप तो टागे जाएंगे ना सुली पे एंड में, हमें कौन आगे बचाएगा। देखिए आप कहते हैं हमें कौन बचाएगा, रहाव मोहम्मद को बचा के कनाडा की हुकूमत बहरहाल ले आई, बहुत बड़ा कदम है, इसी में हमारी बचाव है,
دیکھیے اس پہ بچاؤ ہے, بالکل ہے. لیکن طارق صاحب بات یہ ہے کہ اصل میں تو سمجھانا ہے ہم نے اپنے مین اسٹریم کینیڈینس کو کہ ایشوز کیا ہیں, اور ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سب مارے جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے مراد یہ پوری کی پوری سوسائٹی؟ سر آپ سر جی یہ دیکھیں, پاکستان ہیز 200 نیوکلیئر بامبس وتھ انٹرکانٹینینٹل مسائلز, اور ہمیں بے وقوف یہ بنا دیا ویسٹ کو کہ یہ سارے مسائل ایران کے پاس ہیں. ایران کے پاس تو غلیل بھی نہیں ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا. ہم جانتے ہیں نا کہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں 1 کلومیٹر کا فرق ہے, لیکن جو اسلامک گروپس ہیں, مسلم برادرہڈ ہے, جماعت اسلامی ہے, سعودی عربیہ ہے, ایجپٹ ہے, ان سب نے کنونس کر دیا, خاص طور پر سعودی عربیہ نے, کہ ویسٹ کا اصل دشمن ایران ہے. اور جو اصل دشمن ہے جہاں سے سارا, آپ سمجھیے 9/11 واز میڈ ان پاکستان, خالد شیخ محمد اس پاکستانی جنہوں نے ٹریننگ کی وہ پاکستانی, جو اسامہ بن لادن وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا, ملا عمر پاکستانی, لندن کے 7/7 بامبرز پاکستانی, لاسٹ ٹیرر اٹیک ان ٹیل اویو 4 برٹش پاکستانی, یہ سب نظر آتے ہوئے بھی خوف یہ ہے کہ ہمیں کوئی ریسسٹ نہ کہہ دے. اور مسلم ایکٹیوسٹ جو اسلامسٹ ہے اس کو پتا ہے کہ دس از دی پرابلم, اسی لیے انہوں نے یہاں کینیڈا میں M103 کیا کہ کوئی بول ہی نہیں سکے. دیکھیے سر بات یہ ہے کہ رہا محمد کے سلسلے میں میں نہیں دیکھتا کہ کینیڈا میں رہنے والی اسلامک آرگنائزیشن, یا ایون آپ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں, ہمارا یہ کینیڈا کا مسئلہ, ایون پاکستانی گروپس جو بہت ایکٹیو ہیں, انہوں نے سپورٹ میں بات کی ہو تو کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو پاکستانی کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. دیکھیے آپ اور میں دونوں پنجابی ہیں, ہم بات کر رہے ہیں اردو میں جو یو پی کی زبان ہے. ہمیں ڈیمیج کیا گیا ہے, جناح صاحب نے کر دیا, بنگالیوں کو کہا اسکرپٹ بدلو, پنجابیوں پنجاب میں بین کر دی, ایک اسکول میں نہیں ہے, سندھیوں کو نہیں پتا وہ کون ہے بےچارے, پشتون کا جو حشر ہو رہا ہے, بلوچوں کو تو ویسے ہی اٹھا کے 50,000 اب تک لے جا چکے ہیں. ہمارے جو ایم کیو ایم کے ساتھی ہیں وہ دیکھیے لندن میں بیٹھے ہوئے, الطاف بھائی, ان کو کوئی, یعنی وی ڈو ناٹ نو ہو وی آر. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک ایکرونیم ہے, یعنی یہ کئی کچھ لفظ پکڑ کے انہوں نے نام بنایا, جیسے یو ایس ایس آر ہوتا تھا تو یہ پاکستان ہے, کہ پی سے پنجاب اور اے سے افغانستان اور کے سے کشمیر, یہ انہوں بنایا. نہیں لیکن وہ تو سر مقصد یہ پاک لوگوں کا ملک ہے نا, پاک دو معنی تھے سر, دو معنی, اس میں گوگلی پھینکی تھی پاکستانیوں نے, اس میں بھی نہرو جی اور گاندھی جی بے وقوف بن گئے, پٹیل کو تھوڑا سا پتا تھا کہ بنگالیوں سے کہا بن گیا اب تم لوگ جاؤ بنگستان بناؤ. جنا صاحب نے روہنگیا سے کہا, روہنگیا کہہ رہے تھے ہمیں اس پاکستان میں جوڑ لو, انہوں نے کہا یار یہ اتنے یہ کالے چھوٹے غریب لوگ یہ کہاں جان کو آ گئے, ایسٹ پاکستان کو کہا دفاع ہو جائے تھے, کچھ آسام وسام سے بنگسام بناؤ. یہ یو پی بہار اور بمبئی اور مدراس کے مولویوں نے بنایا پاکستان, جہاں پنجاب تک میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ نہیں تھی, سندھ کے چیف منسٹر کانگریس کے تھے, اللہ بخش عمر, وہ ایک موٹر سائیکل پہ جاؤ نا ڈھس اس کو تو مارو نا, وہ مر گئے. فرنٹیئر میں تو کانگریس کی حکومت تھی نا, غفار خان صاحب کی, اور کلات اسٹیٹ تو الگ ملک تھا. تو یہ پاکستان بنا یو پی میں اور سی پی اور بہار اور بنا ادھر کے مسلمانوں نے, وہ آ کے انہوں نے اردو تھوپ دی, باقی ہم سب جو ہمارے ماں باپ جن کی اردو زبان نہیں تھی وہ بے روزگار ہو گئے. بھائی آپ جب کہیں گے کہ دس دی اٹس دی اونلی کنٹری آن ارتھ ویئر دی مدر ٹنگ آف اے پیپل از پروہیبٹیڈ, اس کی یہ وجہ ہے کہ جو نہیں یہاں پر پاکستانی کمیونٹی جو بہت ایکٹیو ہے ٹورانٹو میں, وہ رہاف محمد کی مدد کے لیے آواز بلند نہیں کر رہی, ان کو پتہ ہی نہیں وہ ہیں کون. ایک دیکھیں, ایوری پاکستانی از این ایمٹی شیل, اس کے اندر آپ کچھ بھی بھر دیں, ہاں تو آپ کے جو آپ کی جو کھوکھلی بوتل ہے اس کے اندر اما بھر دیا گیا, آپ کو دھتکارتے ہیں عرب. جب پہلی دفعہ بھٹو صاحب نے بائی روڈ حج شروع کیا,
1973-74 में तो ईरान में ईरानी लोग बसों से पाकिस्तानी को उतरने नहीं देते थे कि एक टर्म था यानी काले लोग फारसी का वर्ड था दे हैड टू शट इट डाउन लोगों को टॉयलेट के लिए बसों से नहीं उतरने दिया जब तक कुवैत नहीं पहुंचे ईरानी ने कहा दबाओ उधर है मक्का तुम्हारा जाओ गेट आउट ऑफ हियर डर्टी पीपल आप सऊदी अरेबिया में क्या हर जगह द वर्स्ट ट्रीटमेंट यू गेट इज इन मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तानी को सबसे बेहतर ट्रीटमेंट मिलती है कहां इंडिया में उससे वो इसीलिए हम उसको अपना दुश्मन मानते हैं सो वी आर कंफ्यूज पीपल और हमारे इंटेलेक्चुअल भी कंफ्यूज हैं देखिए सर लेकिन जो कनाडा में दीगर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तो रहाब मोहम्मद का पता है उनको तो इंसानी हकूक की बुनियाद पर रहाब मोहम्मद की मदद के लिए आवाज बुलंद करना चाहिए थी व्हाई शुड दे वो तो रहाब मोहम्मद को दुश्मन समझते हैं आपने आज सीबीसी में जो वो आर्टिकल छपा है एक मुसलमान रिपोर्टर ने लिखा है जिसकी क्वालिफिकेशन है कि शी इज अ मास्टर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी और समथिंग शी सिटिंग इन सीबीसी उसने लिख दिया और शुबा जाहिर कर दिया कि ये टोटल फ्रॉड हो रहा कि ये वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो इसको लेके आए हैं यहाँ पे तो क्या फिर इस तरह जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत के ताल्लुकात जो मुसलमानों से बहुत बेहतर समझे जाते हैं खराब होंगे इससे उनके ले आने से रहाब मोहम्मद के जो पावर में होगा मुसलमान उनको वोट देता है सर कभी आपने देखा है कि मुसलमानों ने ऑपोजिशन की किसी पार्टी को सपोर्ट किया हो वही लोग जो लिबरल कैंडिडेट थे फेडरल पिछले दफा वो आज आपको दिख रहे होंगे कि वो कंजर्वेटिव कैंडिडेट है आप में जानते मिसेस आगा का हालात अब तो खैर पुराने कंजर्वेटिव हैं लेकिन मैंने से देखा ना कि वही आदमी एक दफा ये होता है हम सब में ये होता है फॉल्ट के किसी ना किसी वक्त पे लेकिन सियासी सोच नहीं है ये देखिए इस बच्ची ने भी बहुत काम किया है जो तस्वीर दिखाया अपने जी जी वो क्या नाम है उसका नाम मोना अल्तावी उसने बहुत तंग किया मौलवियों को इजिप्ट में एनीवे तो बात सारी ये है कि हमारे यहाँ लोग इलेक्शन लड़ते हैं फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट बहुत लड़ते हैं उसका मकसद ये होता है कि इलेक्शन लड़ा तो आपके साइन लग जाते हैं तो आपको पता है इलेक्शन तो मैं हार जाऊंगा लेकिन मेरी माय नेम इन द ब्रोकरेज इंडस्ट्री या लाइफ इंश्योरेंस एजेंट या उसमें मशहूर हो जाएंगे और वो लोग पार्टी इज नॉट द प्रॉब्लम हमारे सबसे जो टॉप के पॉलिटिशियन थे उन्होंने तो हाउस में चेंज कर दिया अपनी पार्टी एक से दूसरे किससे अलग किससे हुए डील किससे की चले गए कहां तो वी आर फेली न्यूमरस कम्युनिटी लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के पंजाबी और महाजिर हजरात है महाजिर तो खूब फिर भी मैं माफ कर दूंगा उनका अलग प्रॉब्लम जो आप जैसे और मेरे जैसे उर्दू स्पीकिंग पंजाबी हैं ये खाली ढोल है सर जो इस पर तबला बजाएगा वैसी आवाज निकलेगी इनकी अपनी आवाज कुछ नहीं है कभी आखर में हम तो बोलते हुए कुछ जी आखिर में हम आते हैं रहाब मोहम्मद कि इस सारे सिनेरियो में अब वो कनाडा की एक तरह से शहरी बन जाएंगी अभी तो उनको एसाइलम मैं तो समझता हूँ कि जब कहीं कनाडा में आता है और अपने आप को फील करता है शहरी तो वो शहरी है वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो बात की बात है और हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो शहरी ही नहीं बन पा रहे अभी तक कैनेडियन की तरह से सोच नहीं रहे वो टीटीसी की बस नहीं ले सकते ऐसा उन्होंने आज तक ओपरा नहीं देखा है उन्होंने कोई स्टेज प्ले नहीं देखा है ऐसा ही वो सैनमा ही जा तो रहाब मोहम्मद के इस सारे सिनेरियो को अगर हम सम अप करें आज उन्होंने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप क्या समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी यहाँ पर आने वाले दिनों में किस तरह बिल्ट होगी और वो किस तरह की एक मसाल लेगेसी छोड़ेंगी ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो उन जैसा सोच रहे हैं वो सऊदी अरब पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे हैं वो कैसे अपने आप को इस तरह का बना पाएंगे जिस तरह रहाब मोहम्मद है और क्या मेरा एक और ज़िमनी सवाल आपसे कि रहाब मोहम्मद भी इसी तरह रह सकेंगी जिस तरह वो सामने आ रही है देखिए
इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि उनकी कंपनी क्या है। अगर ये एनजीओ वाली आंटियों ने उनको घेर के रखा, विमेन्स एक्टिविस्ट और शेल्टर एक्टिविस्ट और डोमेस्टिक अब्यूज और ये वो तो कंफ्यूज हो जाएगी बच्ची के करे क्या। लेकिन मुझे पता है कि वंस शी स्टार्ट्स लर्निंग इंग्लिश, वो यूनिवर्सिटी जाएगी, शी विल फेस द सेम साउदीज इन यूएफटी एंड यॉर्क यूनिवर्सिटी। आपको भी पता है, मुझे भी पता कि कितने रेडिकल मुसलमान बच्चे इन यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, एमएसए के जो हैं खास तौर पे। शी विल फाइंड हर फ्यूचर एट द यूनिवर्सिटी लेवल। और वो अब 18 की है, आज से 50 साल बाद मैं तो नहीं हूंगा, लेकिन शी विल बी अ फेस ऑफ मुस्लिम सेंसिबिलिटी, मुस्लिम लिबरलिज्म, मुस्लिम सेक्युलरिज्म, जिसके अंदर मैं बार बार कहता हूं कि उसको पता होगा कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम में फर्क क्या है। और ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आपका शिकवा नहीं होगा, शक नहीं होगा, आप सच की तरफ जा ही नहीं सकते। मेरे घर आए हुए थे मियां बीवी, बॉम्बे के हैं, मुस्लिम कपल हैं, वंडरफुल पीपल। तो वो डिस्कस कर रहे थे कि आप क्या समझते हैं कि इस्लाम क्या है। मैंने कही तो कुरान आने से पहले ही लोग मुसलमान हो रहे थे, तो कोई और चीज होगी ना। यानी तौहीद, यानी एक मुल्ला फ्री, प्रीस्ट फ्री रिलीजन एंड द सर्च ऑफ ट्रूथ इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ इस्लाम। उसको अबू सुफियान की औलादों ने शरिया लिख दिया। यानी कुरान की आखिरी सूरत है कि आज हमने आपका मजहब मुकम्मल कर दिया। मौलवियों ने कहा ये कैसे हो सकता, प्रॉफिट के वफात के 2 दिन बाद ही उसी दिन डिविएशन शुरू हो गया, जब उन्होंने कहा कि कुरैश आर द रूलर्स एंड अंसार आर द सर्वर्स। उसके बाद तो पटरी पे आए नहीं कोई। तो हमारे यहां कैनेडा में इट ऑल डिपेंड्स इफ रहाब इज एबल टू मीट विथ रैशनल पीपल, शी बिकम्स अ स्पीकर, उसमें इतनी विजडम आती है जैसे हमारे अमेरिका में है वो सोमालिया से आई थी, व्हाट्स हर नेम, आयान हर्सी अली। आयान हर्सी अली, आप देखिए उसमें स्टेबिलिटी है, शोखपना नहीं है कि जुलूस निकल रहा है, वो शी स्टेबल। वो पहले पॉलिटिशियन बनी, उसके बाद उसने ऑथर बनी है। किसी का एक्स मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। मेरी उनसे यही बातचीत चलती है कि एक हिंदू भी इस मुसलमान सोसाइटी के अंदर 10 दिन घूमता रहे तो आधा मुसलमान हो जाता है। आपको पता है कि जो देहरियों की कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें भी लोग कहते थे कि अच्छा कॉमरेड बिस्मिल्ला करो। यानी पीपल हु आर नॉन बिलीवर्स वुड अडॉप्ट द वर्ड बिस्मिल्ला। इट्स क्वाइट आयरोनिकल। तो इट्स वेरी अर्ली, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जब हमारी बेटी जाएगी यूनिवर्सिटी, वहां इसको मिलेंगे मुल्ला और ब्रदर और सिस्टर और ब्रदर और सिस्टर और हिजाब और निकाब और ये सब चलेगा, तब ये उठा के उनकी पिटाई करेगी। पिटाई से मेरा मतलब है शी विल क्रश देयर आर्ग्यूमेंट्स। एंड कैनेडियन सोसाइटी के लिए ये इट इज लाइक अ गॉड गिवन गिफ्ट। वो कहती है कि खुदा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अल्लाह की तरफ से हमारी नेकियों का वो हमें नतीजा मिल रहा है। Essentially, Canadians are decent people. Na, Tahir ji, hai na. Nowhere else in the world, people say please and thank you and sorry so much. To hame hamare nekiyon ka sila mila hai, and I hope that she will change our image. Bilkul aakhir mein ek ahem baat aur aapse janna chahunga ke Rahab Muhammad Saudi Arab ke ek soobe ki governor ki beti hai, yani high profile kid hai. और उस सूरत हाल में आपको ذاتی طور پر کوئی تھریٹس چونکہ آپ فرنٹ لائن پہ رہے ان کے لیے اور کینیڈا کے ساتھ جو سعودی عرب کے تعلقات ہیں کیا وہ مزید بگڑیں گے سارے واقعے کے تناظر میں سعودی عربیہ کے دنیا بھر سے بگڑیں گے سعودی عربیہ از این آرٹیفیشل کنٹری جس میں سلطنت نجد نے کنگڈم آف حجاز پہ 1923 سے قبضہ کیا ہوا یہ آکیوپیشن ختم ہوگی مکہ مدینہ کی آکیوپیشن جب تک نہیں ختم ہوگی اور لفظ سعودی نہیں ہٹے گا تب
तब तक तो इस्लाम की बात ही ना करें ना। हिजाज की जंग आजादी होगी, सऊदी अरेबिया टूटेगा पाकिस्तान की तरह, और उसी वक्त लोगों को अकल और शऊर आएगा कि हमने क्या किया पिछले 100 साल में। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि सऊदीज जो हैं दे विल ट्राई टू किल हर, पॉइजन करेंगे जैसे भी। सऊदी अरेबिया में इंसान को मारने में गिल्ट नहीं। जमाल खशोगी का वाक्य सामने, अरे जद्दा के अंदर हेड चॉपर स्क्वायर कहलाता है, वहां हर हफ्ते तमाशा लगता है, लोगों को गर्दन काटी जाती है। आप दुनिया में 21st सेंचुरी में देयर इज अ सिटी रियाद, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, वेयर पीपल्स हेड्स आर चॉप्ड ऑफ एज एन एंटरटेनमेंट। एक इंडियन औरत का आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि उसका हाथ चॉप ऑफ हो गया। फिलिपीन मेड्स रेप होती हैं वहां, बांग्लादेशियों का क्या हशर है। ये वो कहते हैं देर है, अंधेर नहीं है, दिस इज गोइंग टू कम टू एन एंड। और थ्रेट इन्होंने काफी दी मुझे और मेरी बेटी को कि वी नो बोथ ऑफ यू वर इन जिद्दा एंड वील गेट यू। क्या गेट करेंगे, हम 70 का तो हो गया, कितना गेट करेंगे, अभी कर भी दिया तो सर हो गई हमारी इनिंग, बहुत हो गया। बहुत शुक्रिया तारिक फतेह साहब आपकी राय का। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने बातचीत सुनी रहाब मोहम्मद के कनाडा पहुंच जाने के हवाले से। तारिक फतेह जो फ्रंट लाइन पर रहे उन्होंने अपनी राय का इजहार किया बहुत सारे पहलुओं के हवाले से, और आज का बिला तकल्लफ ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। करता हूँ।